नए विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रबोधन का अर्थ यह है कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं। इस समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। मध्य प्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा के संयुक्त तत्वाधान में नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नजर आए, जहाँ सबका सम्मान संविधान की पुस्तक एवं शॉल श्रीफल देकर किया गया। प्रबोधन कार्यक्रम के पहले सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रबोधन का अर्थ यह है कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं। हमारे आचरण, व्यवहार, ज्ञान एवं अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर का एकाकार करने का जो भाव हम धारण करते हैं, तो इसका मतलब है प्रबोधन। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम यह प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं और विद्याध्ययन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते याद करते, लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, वो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते तो थोड़े वो ज्योतिष के भी जानकार थे, जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ गुरुजी? बोले, बेटे तेरा कोई दोष नहीं। बोले, क्यों दोष नहीं गुरुजी, मेरे को बताओ। बोले, तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा, बताओ मेरे को कहाँ होती, क्या होती। जैसे वो हाथ से बताते कि ऐसे ऐसे होती। बोले, मैं अभी आया। अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई। और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं जो अपने हाथ से अपनी लकीर बना लेते। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाए, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के, अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर, दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते, इसका मतलब प्रबोधन का है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकतंत्र के मंदिर संसद की चौखट पर अपना सिर झुकाकर जो एहसास हमें कराया है, उससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 या 2.5 लाख मतदाताओं का मान सम्मान, भाव एवं विश्वास लेकर विधानसभा में आते हैं। पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र के मंदिर के होने के नाते से मस्तक टिका करके जो एहसास कराया, इससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करें, जब वो लोकसभा में पहली बार गए और अपना शीश नवा करके इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार से उनने सम्मान किया, वो हमारे लिए सदैव पाथे रहेगा। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे सबके लिए जीवन में ये पाथे रहेगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटर का एक बड़ा हमारे पीछे, उनका सबका मान सम्मान भाव, उनका विश्वास लेकर के विधानसभा में आते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।